नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम बुधन सिंह कुर्ती हुआ, झारखंड से हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली की पब्लिक के सामने आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं इधर अपना झारखंड से? झारखंड से मैं ये मोती कल्टीवेशन के बारे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। मोती की खेती कैसे होती है, किस तरह से होती है, इसमें क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ के लोगों को जो है वो बता रहा हूँ। तो आप किसानों को जोड़ते हैं अपने साथ कि वो भी आपके साथ एग्रीकल्चर में जुड़े मोती की फार्मिंग? मैं वो चाहता हूं कि जो किसान हैं, बहुत सारा खेतियां कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मोती की खेती में भी किसान हमारे साथ जुड़े और इसका लाभ लें। इसकी अच्छी कमाई है, अच्छी फ्यूचर है। इसको आप जो है अपने उत्पादन के साथ साथ में और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस टाइप से आप कर रहे हैं? प्रोसेस वाइज आप बता दीजिए। पूरी प्रोसेस मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मोती कैसे बनती है, कहाँ बनती है, किस तरह से बनती है और हम कौन से टेक्नोलॉजी को अपनाए हैं जो कि हमारा मोती में प्योरिटी है, है ना। मोती ऐसा तीन तरह के बनते हैं, एक नेचुरल तरीके से बनते हैं, एक कल्टीवेशन है और एक मैन्युफैक्चरिंग है, है ना। या हम कल्चरिंग भी कर रहे हैं तो कौन से टेक्नोलॉजी? हाँ जी भैया, हाँ जी। तो ये मोती का हम कौन सा टेक्नोलॉजी है जो हम कृषि के क्षेत्र में, मोती की खेती के क्षेत्र में उसको डेवलप करके जो है ना ओरिजिनल पाल से भी जो है नेचुरल पाल से भी अच्छी गुणवत्ता लाने की प्रयास करते हैं। सो आप फर्स्ट ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि आपको मोती की खेती करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए? सर ये एक आपको मैं बताऊँ तो एक अजीब सी भी लगेगा जो यंग जनरेशन करते हैं, है ना। तो जब मैं अकेले हुआ करता था तो कुछ गजल वगैरह जो है पंकज उदास, जगजीत सिंह की गजल वगैरह मैं सुनता हूँ और मेरा वो जगजीत सिंह काफी मतलब फेवरेट है ना। तो फिर मैं वो सुनते सुनते ना YouTube पे मैं सर्च कर रहा था, तो YouTube में अचानक से वो मोती खेती की जो है ना वो कुछ 5 मिनट करीब की आई थी, उसे देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि अरे मोती की खेती भी होती है। ऐसा मैं जॉब में था UCL में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, यूरिया जो कंपनी बनती है जादूगुड़ा का आपने सुना होगा, है ना, उस पे था। तो फिर इसे जब मैं देखा तो इतनी अट्रैक्ट हुआ कि मैं अपने आप को खो बैठा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या कोई बंदा किसी लड़की को देख के जितनी आकर्षित होते हैं उस तरह का मैं आकर्षित हुआ और सारे अपना आवा खो बैठा कि मैं अब क्या करूँ, करना तो है मुझे यही चीज। तो फिर मैंने कुछ यूट्यूबर वालों से मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद भी मैं सफल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर वो गूगल पे सर्च करते करते जो है ना फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर शिफा और पूरी की हमें जो है वो भुवनेश्वर की जो इंस्टीट्यूट हमें मिली, मिलने के बाद में मैंने क्या किया वहाँ पे आवेदन किया। आवेदन करने के बाद में हमारी जो है सिलेक्शन हो गई। उस समय 7 डेज की ट्रेनिंग होती थी। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे अपने आप में हिम्मत बढ़ना शुरू हुआ कि मैं इसे अच्छी तरह कर सकता हूँ और इसको मैं अपने लाइफ में जो है कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए पहले सीखना भी जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज होना, देखिए कोई भी नया चीज को शुरू करते हैं तो उसकी बेसिकली जो है बेसिक चीज है उसको जानना, उसको जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे काम सिखाता रहता है, आगे काम, बाकी तो आपको वो ना इंडिकेट कर देंगे, बाकी उसमें डेवलप करना आपका काम है। जैसे कोई इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा है तो उन्हें सिर्फ एग्जाम तक के अंदर में जो है ना जो किताबें पढ़नी होती है उतना पढ़ लेते हैं, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए वो इंजीनियरों की बुक ने जिसको लिखा उस किताब को और बढ़िया रूप से लिखने के लिए तो अपने मेहनत करने की, स्किल्स को प्यूरिफाई करना होगा और आगे बढ़ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप दिखाएंगे प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मोती के अंतर को पहले हमारे वो दिल्ली वासियों को मैं वो देना चाहूंगा कि मोती की वो टेक्नोलॉजी कहाँ से है। तो ये है, समुद्र में मोती मिलते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। बहुत तरहों का बहुत लोगों की ये भी भावनाएं है कि वो ऐसे कोई समय होती है जो ऊपर से बारिश गिरती है उसके मुंह पे तो मोती बनते हैं, पहली बूंद गिरती है तो मोती बनते हैं, गिरती है तो मोती बनते हैं। लेकिन उस मोती को जब हम लैब करते हैं, लैब करने के बाद हमारा जो H2O की जो केमिकल बॉन्डिंग वो भी नहीं मिलती है, हाइड्रोजन भी नहीं मिलती है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। तो यहाँ से हमें साफ हो गया था कि हाँ मोती जो है वो बूंद से नहीं बनती। तो बनती कैसे? तो ये वो मुंह अपना खोल के रखे रहते हैं तो उसी बीच में अचानक या कभी कभार जो है वो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है।
जैसे भूकंप या ज्वार भाटा, उसी दौरान जो है शीप के अंदर पे जो है ना कीट पतंग बालू प्रवेश कर जाते हैं, तो वह बालू को ये निकालने का प्रयास करता है मगर वो निकाल नहीं पाते हैं, तो उसी का ऊपर में जो है वो क्या करते हैं कोटिंग का डेवलप करते हैं, कोटिंग चढ़ाते रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो आज हम क्या करते हैं मोती की खेती में उसी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, सबसे पहले जो है मोती की खेती की प्रोजेक्ट बताते हैं, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक की जो हमारी कंटेनर और ट्रे दिख रही है और सर्जिकल स्टैंड दिख रही है इसको मैं व्यवस्था कर लेता हूँ, और एक महीना पहले मैं क्या करता हूँ इस पर पानी बार लेता हूँ, है ना। पानी को बारने के बाद में वो H2O की जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको मैं क्लियर करता हूँ, उसको क्लियर कर विथ मेडिसिन से उसको क्लियर करके फिर मैं सीपों की कोच की शुरुआत करता हूँ। जब सीपों को मैं बाहर से कोच के लाता हूँ, बाहर से कोच के लाने के बाद उसको अच्छी तरह से मैं साफ करता हूँ, साफ करने के बाद में 3 दिन तक मैं इस तरह का CCU में रखता हूँ, भूखे प्यासा रखता हूँ विथ मेडिसिन के साथ में। उसके बाद यहाँ मेडिसिन में रखने के बाद में हम इस सर्जिकल सेक्शन पे ले आते हैं, सर्जिकल सेक्शन पे लाने के बाद हम क्या करते हैं ये जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रही है छोटे छोटे नाभिक आपको दिख रहे हैं इसके अंदर में इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट करने के बाद में फिर 3 दिन के लिए हम जो है ये हमारी सेकंड CCU लिखी हुई है, क्रिटिकल यूनिट केयर लिखी हुई है, यहाँ पे 3 दिन तक हम जो है वो क्या करते हैं CCU करते हैं विद मेडिसिन के साथ में। यहाँ करने के बाद हमारे ये जो कंटेनर दिख रही है ये 2 कंटेनर रखते हैं, ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट वो कंटेनर है ना, इसको क्या करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के बाद में हम इसमें क्लोरोपाइटा साइनापाइटा थायरापाइटा ये अलगियों को डेवलप कर देते हैं। ये अलगे को डेवलप करने के बाद में फिर हमारे यहाँ जो वो सर्जरी किया हुआ शिप जो है इसके अंदर में जो है हम रख देते हैं, तब तक रखते हैं जब तक हमारा जो है मोती निर्माण नहीं होती है। और ये मोती निर्माण में भी हम 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमने किस मोती का वो निर्माण कर रहे हैं, या हम और डिजाइन पाल की कर रहे हैं या राउंड पाल की कर रहे हैं या मेंटल टिश्यू ग्राफ्ट के हम काम कर रहे हैं, तो इनकी अलग अलग अपना टाइम ड्यूरेशन है और मोती निर्माण की। तो यही हमारी जो है कल्चर की ये सिस्टम है। हाँ जी सर, ये जो बुक मैं ये देख रहा हूँ ये आप ही के द्वारा तैयार की गई है? ये हमारे द्वारा तैयार किया गया, ये मैं काफी रिसर्च किया हूँ, रिसर्च करने के बाद जो भारत में मोती की खेती कर रहे हैं उन सबों को कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो और कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो और उसको पूरी टेक्नोलॉजी मिले, पूरा इसमें लिखा हुआ है, इस किताब पे लिखी हुई है। ये भारत की पहला किताब है आज तक भारत में मोती की खेती से संबंधित जो है, अभी तक कोई किसी ने किताब का प्रकाशित नहीं किया, सब छोटे छोटे आर्टिकल लिख करके अपना वो वेबसाइट पे जो है या गूगल पे वो लोग रखे हुए हैं, लेकिन ये हमारी किताब जो है वो आपका पानी का सारे बैक्टीरियाओं को लेकर के पीएच ट्रीएस को लेकर के और आपकी के जो वो बैक्टीरिया है और कल्चरिंग की जो सिस्टम है ये पानी सब आपने शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस इसमें लिखा है, एंड तक का मैंने इस किताब से लिखा हुआ है। और हमारे भारतवासी आपके साथ जुड़ना चाहें कि मोती की खेती करना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? वो हमारे वो जो है अभी ऑनलाइन मैंने शुरू नहीं किया, ऑनलाइन शुरू करने वाला हूँ, अभी ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो प्रशिक्षण ले करके वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनको जो है 1 ईयर तक मैं पूरी गाइड करूँगा जब तक वो मोती निकाल के बाजार में ना लाएं। ठीक है, आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर जिसपे वो कॉल कर पाए आपको? हाँ जी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वो 7033875177। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है? हाँ, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, जो भी वो इससे हमारे वो मोती की खेती से जुड़ना चाहेंगे वो आदि महोत्सव करके लिख करके हमें भेजें, या वो अपना जो इच्छा है ट्रेनिंग करनी है या खेती करनी है उनके पास पानी की क्या स्थिति है ये सारा वो चीज़ हमें लिख करके भेज सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी पानी की 16,000 बैक्टीरियाओं को जान सकते हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू भैया, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे व्यूअर्स को।